पैनल हमारा तैयार है हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। रचना जी बताइए क्या शॉट कर रही हैं आप इस समय? शॉट करूंगी एलएनटी को। एलएनटी में आज काफी पेन रहा है सुबह से, और यहाँ पे मेरे हिसाब से आज का जैसा बार बना है ऐसे एक दो बार और बन सकते हैं, जिसके जिसके पहले रिलीफ या हॉल्ट आना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम एलएनटी को शॉर्ट करेंगे। फ्यूचर्स पे 33-30 पे बैठा हुआ है इस टाइम पे, और इसमें हम ऐसे लगाएंगे 33-70 पे, और डाउनसाइड पे हमारा टारगेट होगा 3250 एंड 3200। सेल साइड का ट्रेड रचना जी का, मानस आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्चना जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा। श्रीराम फाइनेंस में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब ये 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। करंट लेवल्स पे श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, जो कि 3050 के आसपास चल रहा है। इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है वो लगाना है 3141 का, 3141 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 2875 के टारगेट्स पॉसिबल है श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन में ट्रेड ले ले, 3050 वाला पुट ऑप्शन ले ले, 96 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 49 का स्टॉप लॉस लगाना है और 200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, श्रीराम फाइनेंस शॉर्ट कॉल यहाँ पे, लॉन्ग पुट 3050 की। कविता जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? बहुत बहुत नमस्कार विरेक जी। सो पॉली कैप पर शॉर्ट करेंगे। पॉली कैप 6418 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 6450 के एक स्टॉप लॉस से आप 6385 6360 के प्राइस टारगेट के लिए पॉली कैप को शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, कविता जी कहाँ थी आप इतने दिन से? आई थिंक बहुत टाइम के बाद मैं आपको शो में देख रहा हूँ। नहीं, मैं फ्राइडे थी अनुज जी, बट आप शायद किसी इंटरव्यू के लिए बाहर थे। लास्ट फ्राइडे आई वाज हाँ, लास्ट फ्राइडे थी। हाँ, लास्ट फ्राइडे। हाँ, बट अनुज ऑनेस्टली ये पूरा हफ्ता ऐसे लग रहा है कि एक महीना बीत गया। इतना सारा पेन। मैं सच बताऊँ ना हर्षिता, इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र 3 साल बढ़ी है है। ना? मतलब वो ऐसा लग रहा है मुझे, एज मार्केट इतनी टफ है, कमेंट्री करना इतना टफ हो जाता है। चलिए सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस समय की? मेरा यहाँ पे सेल रेकमेंडेशन रहेगा टाइटन पे। टाइटन फ्यूचर्स को सेल करने की सलाह रहेगी करंट प्राइस पे 3280 स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट है 3150 3120 के लेवल्स। टाइटन में एक अच्छा ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना रहा है। कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिव हैं 3300 3250 के लेवल तक, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सेल कंटिन्यू रहेगा। पोजिशनल टारगेट्स 3150 के लेवल्स तक आते हुए नजर आ रहे हैं। 50 तक पोजिशनल लेवल, तो 1 2 3 4 शॉर्ट कॉल्स। अमित बताइए आपका भी शॉर्ट ट्रेड है? जी गुड आफ्टरनून अर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, विरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। मैम फर्स्ट चॉइस जो मैं सेलेक्ट करके लाया था डेट वॉज टाइटन, वो हो गया। तो सेकंड मुझे जो वीक लग रहा है यहाँ पे काउंटर डेट इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में एक फॉल आने के बाद ये अभी भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, रिसेंट स्विंग लो इसने फिर से ब्रेक कर दिया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी नेगेटिव है, लगभग 975-76 रुपए का प्राइस है फ्यूचर में। इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 990 और टारगेट्स लगभग रहेंगे 950 और 935 रुपए के। वक्त बताने वाला जो टाइटन है ना, उसको भी दो लोग मिलके बेचने को तैयार थे, अमित जी भी और मेरे ख्याल सोनी जी भी। अमर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप क्या अप्रोच रख रहे हैं मार्केट पे, जिस प्रकार का कोलैप्स है आज, ऑलमोस्ट 24,000 स्क्रीन पे है, व्यू क्या रखा है आपने, क्लाइंट से क्या व्यू शेयर किया, और इस वक्त क्या कॉल ले रहे हैं आप? देखिए, ओवरऑल मार्केट्स में वी वर एक्सपेक्टिंग दिस करेक्शन। एक करेक्शन तो डेफिनेटली ड्यू था, बिकॉज जैसे रिजल्ट्स आ रहे थे और इस तरह की FII सेलिंग आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट तो हमें दिख रहा था, और लार्ज कैप्स में भी सेलिंग आ रही थी और अक्रॉस द बोर्ड। सो वी वर सेइंग डेफिनेटली दैट यू नीड टू बी कॉशियस, और जहां तक हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल है दैट हैज बीन क्वाइट शार्प, और एज आई वॉज हियरिंग अर्लियर यू एंड अनुज स्पीकिंग ऑन दिस कि 24,000 के नीचे यस इट्स अ वेरी इट्स गोइंग टू बी फर्दर वेरी स्टीप टुवर्ड्स 23,500 लेवल्स।
निवेशकों को हम लोग जरूर थोड़ा कॉन्शियस रहने की सलाह दे रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, दे विल हैव गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर एंट्री, और वो यदि जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें जिनकी पोटेंशियल है उनको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से जरूर देख सकते हैं, और वो लेकिन स्टॉक SIP मोड में फिलहाल वो एंटर करें तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज जब तक मार्केट में इस तरह की करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन फेज नहीं आता है तब तक वी नॉट सी द नेक्स्ट लेग अप, तो उस परस्पेक्टिव से हम लोग क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं। संभल के चलना है, बेसिकली मोड माहौल ऐसा ही बन चुका है जिस तरह का केओस देखने को मिला है। 1076 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी बैंक में। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मिड कैप इंडेक्स आपके सामने आया था, 1300 पॉइंट नीचे था, अब 1450 अंकों की गिरावट पर इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं और 24083 का लेवल, आई थिंक 24092 था सुबह का लो, क्या उसे ब्रीच कहा, देखिए अब डे लो पर इस समय मार्केट कारोबार कर रहा है। स्थिति तो बिगड़ी हुई है और ऐसे कई स्टॉक्स है जो बाजार पर और भी अपना प्रेशर डाल रहे हैं, जो बने आज एक्सीडेंट ऑफ द डे। यतन हमारे साथ है यही बताने के लिए।